दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बैंकिंग सेक्टर से अच्छा स्टॉक जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। इसमें हम अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे आइए अब हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। IDFC फर्स्ट बैंक फाउंड हुआ है मर्जर करने के बाद IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट का। IDFC बैंक को लाइसेंस मिला था RBI से 2015-16 में बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर इतना कॉम्पिटिटिव है जिसमें ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए IDFC बैंक ने डिसाइड किया कि वो किसी के साथ मर्जर करके अपनी ब्रांच और बिजनेस का एक्सपांशन करेगी। तो उन्होंने मर्जर किया है कैपिटल फर्स्ट के साथ, जिसके बाद बना है IDFC फर्स्ट बैंक, और ये मर्जर दिसंबर 2018 में ही कंप्लीट हुआ है। आइए अब हम देखते हैं करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखोगे तो इनके जो प्रमोटर्स है उसमें किस शेयर होल्डर है IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसका 5% स्टेक है, और दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5.47%, और काफ़ी दूसरे सारे प्राइवेट भी इन्वेस्टर्स है। लेकिन हमारे लिए दो जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर है वो IDFC फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो दिखाता है कि ये कंपनी में काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छे स्टेक होल्डर्स भी हैं। इनके जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो होंगे वो है वैद्यनाथन, और जो कि कैपिटल फर्स्ट के CEO थे और फाउंडर थे, और जिनका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर मैनेजिंग कैपिटल फर्स्ट और ग्रोथ भी अच्छा करवाए। आइए अब हम देखते हैं IDFC बैंक के फाइनेंशियल ट्रेंड्स। तो अगर आप देखोगे तो इनका जो लोन असेट है वो ईयर ऑन ईयर 2016 से लेकर 18 तक काफ़ी अच्छा बढ़ा था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो डिपॉजिट भी थी वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ी थी ईयर ऑन ईयर 2016 से लेके 2018 तक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा था, लेकिन 2019 में ये थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है ड्यू टू मर्जर एक्टिविटीज। आइए अब देखते हैं कैपिटल फर्स्ट के फाइनेंशियल ट्रेंड। ये दोनों कंपनी का हमने जो फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाया वो मर्जर से पहले था, 2018 में दिसंबर में इनका मर्जर हो गया। अगर आप देखोगे तो असेट अंडर मैनेजमेंट का काफी अच्छा ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 29%। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो नेटवर्थ का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 22%। सिमिलरली टोटल इनकम भी जो है 2013 से लेके 2018 तक ईयर ऑन ईयर 47% से बढ़ी है। सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 39% बढ़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2013 से लेके 2019 तक बढ़ा है। 2019 में ये कम दिखा रहा है ड्यू टू मर्जर एक्टिविटीज। आइए अब हम देखते हैं ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड। अगर आप देखोगे तो नेट ईयरली प्रॉफिट है 2014 से लेके 2018 तक ईयर ऑन ईयर बढ़ाई है, और 2019 में अगर हाफ ईयर का रिजल्ट देखे तो वो भी काफी अच्छा है, अगर कम करेंगे तो वो भी ज्यादा ही होगा। आइए अब देखते कि प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। तो 2014 से लेकर 2019 तक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी स्टेडीली इंप्रूव हुआ है, एंड इम्प्रूवमेंट इन कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी काफी बढ़ा है। आइए अब हम देखते हैं कंपनी का डिविडेंड पे आउट कैसा है। 2013 से लेके 2018 तक इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफ़ी बढ़ा है, और परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर जो डिविडेंड का है वो भी काफ़ी बढ़ी है। तो ये एक बेहतरीन डिविडेंड पे आउट स्टॉक भी बन सकता है मैनेजमेंट को देख। आइए अब हम देखते हैं इसका प्राइजिंग चार्ट। अगर आप देखोगे तो प्राइजिंग चार्ट में 2015 से 16-17 तक प्राइजिंग 40-60 रुपीज़ के बीच में घूमती रही है बिकॉज ऑफ बिजनेस स्टार्टअप, क्योंकि लाइसेंस मिलने के बाद काफ़ी सारे ब्रांचेस डेवलप करने होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी घूमता रहा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव है जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मर्जर करेंगे, और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि श्रीराम सिटी यूनियन के साथ एक मर्जर करेंगे, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस काफ़ी बढ़ा था, और बाद में मर्जर कैंसिल होने की वजह से डाउन भी हो गया था।
recently in last year because of crisis in banking sector and NBFC sectors, financial sector में काफी crisis थे, उसकी वजह से इसका stock काफी गिर गया था। तो आप देखोगे कि December 2018 तक stock का price 35 रुपीस तक गिरा था, उसके बाद थोड़ा बढ़ा है बिकॉज उसके बाद मर्जर हो गया है, जो सक्सेसफुली मर्जर कंप्लीट हो गया है। अभी जो आने वाले दिन है उसमें दोनों कंपनी की सिनर्जी कैसी है उस पर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। लेकिन मैनेजमेंट अगर देखे, इसकी हिस्ट्री देखे, कैपिटल फर्स्ट की हिस्ट्री देखे तो काफ़ी सक्सेसफुल हिस्ट्री है, और इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये दोनों ग्रुप के बीच में सिनर्जी बनाने में जो सीईओ है वो कामयाब रहेंगे और आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों थैंक यू।